नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौजूद हैं एनएस रोड से, जयगांव से। यहाँ पे सफाई कर्मियों द्वारा आज एनएस रोड के जो रेलिंग लगा हुआ है, जो डिवाइडर लगा हुआ है, उसके आसपास काफ़ी सारा कचरा काफ़ी दिनों से जमा था। आज इसका मेंटेनेंस, इसका सफाई का अभियान चल रहा है। चलिए सीधा बात करते हैं इन नौजवान युवकों से जो इस सफाई के काम में लगे हुए हैं। भाई, तुम लोग कौन सा संस्था से काम कर रहे हो? हाँ, कौन सा संस्था में काम कर रहे हो? नमस्कार, ये कौन सा संस्था से आज सफाई का ये काम चल रहा है? रेवोल्यूशन से। अच्छा अच्छा, तो आज का ये क्या प्रोग्राम है ये आपका सफाई का? एक्चुअली आज हम लोग का ओवर टाइम चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये जो मेन मार्केट में जो ये ग्रास वगैरह था, अच्छा, इसके कारण ये जगह को भद्दा दिख रहा था। अच्छा, जितना भी साफ कर रहे थे, तो हम लोग का आज ओवर टाइम करके ये पूरा जगह का जो स्ट्रीट जो रोड का बीच का है, अच्छा, तो हम लोग सफाई कर रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य है रोड को या घर को खाली साफ करना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हम लोग जयगाँव को, ताकि हम लोग का यहाँ पर बहुत से, ये हम लोग का क्या है कि एब्रोड से आदमी आता है, बाहर से ज़्यादा आता है। अच्छा, तो उन लोग को जब यहाँ पर दिखाई पड़ता है तो जयगाँव बहुत गंदा लगता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी भी नहीं है। उसके कारण हम लोग का क्या सोच में आ गया कि ये जितने भी है जो ये हम लोग क्या बोलते हैं फंगिस और जो घास वगैरह लग रहा था, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरा साफ करें। तो आज हम लोग का ये जितने भी भाई लोग मिलकर ये ओवर टाइम चल रहा है। हम लोग का लक्ष्य ये है कि हम लोग और जयगाँव वासी से ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग का जितना मेहनत है, उतना मेहनत आप लोग भी करिए और जबड़ा रास्ता में मत फेंकिए, क्योंकि हम लोग बार बार, अभी हम लोग का लगभग 6 बज गया होगा, हम लोग अभी सीजर टोल का गली भी कवर किए हैं, वहाँ पर भी बहुत गंदा था, हम लोग खुद जाके साफ करके आए। तो हम लोग का लक्ष्य ये है कि हम लोग जयगाँव को किसी भी तरीके से साफ सुंदर दिखे, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट हुआ था, इसमें कितना आप देख सकते हैं प्रेजेंट भद्दा दिख रहा है। अब जैसे कि ऐसे इस हिसाब से साफ होगा तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ना म्यूनसिपैलिटी है ना कोई है, यहाँ पर रेख देख करने के लिए। आज आप लोग कहाँ से कहाँ तक ये एनएस रोड का ये रास्ता का सफाई कर रहे हैं? एक्चुअली ये आज हम लोग ये पेट्रोल भूटान के फिर भूटान के साफ करेंगे, फिर कल हम लोग का ओवर टाइम करके हम लोग जो ये आपका एनजी रोड है। अच्छा, अभी तक तो केवल आप मतलब कुछ ही दूरी कवर किए हैं, और जैसा कि देख सकते हैं पूरा गाड़ी भर चुका है। इस साइड का दृश्य देखिए, एकदम साफ सुथरा आपको दिख रहा है, और वही आपको इस साइड का दृश्य दिखा दे रहे हैं। देखिए रेलिंग के बगल में काफ़ी सारी गंदगी पड़ी हुई है। कहने के लिए तो ये साधारण सी मिट्टी कचड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसे उठाने में, इसे सफाई करने में काफ़ी मेहनत लगता है। और हम सभी जयगांव वासियों की तरफ से इन सभी योद्धाओं को सैल्यूट करना चाहेंगे कि ऐसे परिस्थितियों में भी वो निरंतर काम में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप जयगांव वासियों को कुछ अपील करना चाहेंगे? वही, हम लोग का बारंबार सर्वे भी हो रहा है और हम लोग का जो नाइट ड्यूटी भी चल रहा है, तब पर वो बावजूद भी यहाँ पर जबड़ा आ रहा है गली से। तो इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जो गाड़ी आता है उसी गाड़ी में आप लोग कूड़े फेंकिए, रास्ता में मत फेंकिए, क्योंकि यहाँ पर गाय आता है, छिड़ उड़ देता है और गंदा दिखता है। तो उसीलिए आप लोग को हम लोग से निवेदन है कि ये जितने भी कूड़ा है आपका घर का, वो प्लीज़ अपना जब गाड़ी आता तभी डालिए, रोड में इधर उधर ना फेंकिए, इतने हम लोग का रिक्वेस्ट है। और हम लोग का जैसे कि ग्रीन रेगुलेशन है, गो ग्रीन एंड क्लीन, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग आशा रखते हैं कि हम लोग का जयगांव वासी भी हम लोग को साथ देंगे। जिस प्रकार हम लोग का लड़के लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी साथ ही मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग भी हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आशा करते हैं कि जयगांव के लोग अपील को सुनेंगे, और सभी नौजवान लड़के हैं
इन लड़कों से भी अपील है कि आप लोग काम पे तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मास्क भी लगा लीजिए। आप लोग जिस काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये भाई लगाए हैं, आपके जो सुपरवाइजर इंचार्ज हैं वो लगाए हैं, आप लोग भी लगा लीजिए। एक्चुअली ये लोग सुबह से काम कर रहे हैं तो इन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर हाल फिलहाल इन लोग ने मास्क लगाया है क्योंकि ज़्यादा मास्क लगाने का डेली मास्क काम कर रहे दोस्तों। देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी साधारण सा काम है। क्या है, मिट्टी तो है, अगर ये पड़ा रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सोच है जिसके वजह से हम काफ़ी लोगों से अलग हो जाते हैं। सफाई करना एक धर्म है, एक कर्तव्य है, चाहे ये कर्मी कर रहे हों चाहे हम करें। देश के हित में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के योगदानों में आप हमेशा तत्पर रहें, साथ दें। और अपील यही है कि गंदगी, अपने शहर को गंदगी होने से बचाएं। यहाँ देखिए सफा करते करते काफ़ी सारा मिट्टी का ढेर, जंगल पौधों का ढेर यहाँ पे जमा हो गया है। इसको उठाकर ट्रैक्टर के ज़रिए ये संस्था डंपिंग एरिया में ले जाके डंप करेगी। आप सभी को लग रहा होगा कि ये जो सफाई कर रहे हैं इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ये तो मिट्टी का ढेर है जो कोई ला के फेंकता नहीं होगा। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि जो सफाई का अभियान जो चल रहा है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप सभी जयगांववासी इस तरह के कार्य में सहयोग करें, सपोर्ट करें इन नौजवान लड़कों को जो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक हमारे जयगांव के शहर के विभिन्न इलाकों में सफाई करने में लगे हुए रहते हैं। और बात सफाई की आती है तो बहुत सारी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं और सभी संस्थाओं को जयगांव मिरर्स धन्यवाद व्यक्त करती है। आप ही हैं जो जयगांव को सफा रखते हैं, आप ही के वजह से जयगांव सफा रहता है। सभी जयगांव के सभी जो इस सफाई अभियान में कार्यरत हैं, जयगांव की सफाई में, उनको जयगांव मिरर्स का सलाम। एक बार फिर से जयगांव मिरर्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।